हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिहार डेलीगेशन पे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम है उसमें साइंस के जो काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसकी आने की ज़्यादा संभावना, वो मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का जो बटन है वो ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हम जो है आपके लिए इस तरह के वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और एक एक करके जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है, संतुलित आहार में सन्निकट क्या होना चाहिए। तो आपको बता दूंगा, जो संतुलित आहार होता है उसके अंदर 1/5 भाग प्रोटीन होना चाहिए, 1/5 भाग वसा और 3/5 भाग कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, तभी वो संतुलित आहार माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इस तरह के तो आप ध्यान रखिएगा, पौधे और जंतुओं में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्टार और ग्लूकोज के रूप में संचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दिल का दौरा किस कारण से पड़ता है। तो आपको बता दें कि जो दिल का दौरा है वो हृदय में रक्त की आपूर्ति के कारण होता है, यानी कि ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो हार्ट में कम हो जाता है, इस वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट सवाल होता है, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा कोयला खान में काम करने वाले को ब्लैक लंग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहाँ पता चला था। तो आपको बता दें कि इटाई का पता जो है जापान में सबसे पहले चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कैडमियम प्रदूषी किससे संबंधित है। तो आपको बताया कि कैडमियम के प्रदूषण से ही इटाई रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला जर का रोग बाहक कौन सा है। तो आपको बता दें, काला जर के जो रोग बाहक है वो सिकटा मक्खी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था। तो आपको ध्यान रखना है, चेचक के लिए जो टीका का आविष्कार है वो लुई पाश्चर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है। तो आपको बता दें, श्वेत फुसफुस रोग है वो सीमेंट उद्योग में जो मजदूर होते हैं उनके अंदर होता है। कोयला के लिए आपने देख लिया होगा ब्लैक रोग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है। तो आपको बता दें, एड्स के विषाणु के लिए जो सबसे ज़्यादा यूज की जाने वाली मेडिसिन है वो है जिडोबुडिन, इसको AZT भी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, किस सूक्ष्म जीवक के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है। तो आपको बता दें, हेपेटाइटिस बी होता है वो वायरस जनित रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एस बूस्टेट का कारण होने वाली प्रमुख रोग कौन सा है। तो आपको बता दें, एस बूस्टेट जो होने वाली सबसे रोग है वो है एम्फिसिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्कर्वी रोग में कौन सी चीज़ है जिसका उपयोग करके स्कर्वी रोग का इलाज किया जा सकता है। तो आपका बता दें, स्कर्वी रोग के लिए आंवला जो है वो लाभदायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। BMD जो परीक्षण किया जाता है वो ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों से रिलेटेड जो बीमारी होते हैं उसके पहचान के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, एड्स होता है। तो आपको बता दें, एड्स जो है वायरस से ही होता है, यानी कि विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं। तो आपको बता दें, जो भारी मात्रा में अल्कोहल लेते हैं उन्हें सिरोसिस हो जाता है, सिरोसिस की वजह से उनकी मृत्यु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए, सरल गलगंडा यानी कि घेंघा जो होता है, घेंघा किसके कारण होने वाली बीमारी। तो आपको बता दें, घेंघा जो होता है थायराइड ग्रंथि से रिलेटेड बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मलेरिया का संक्रमण चरण है। तो आपको बता दें, मलेरिया जो होता है बीजाणुज यानी कि एस्पोबोरोजॉइट के वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सा कवकीय रोग है। तो आपको बता दें, एक्जिमा जो होता है वो कवक के वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, छोटी माता यानी कि चिकन पॉक्स पैदा की जाती है। आपको बता दें, चिकन पॉक्स जो होता है DNA विषाणु द्वारा पैदा किया जाता है। यहाँ ध्यान रखिए, चिकन पॉक्स भी विषाणु की वजह से होता है लेकिन वो DNA विषाणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, काली माता यानी कि ब्लैक डेथ किसे कहते हैं। तो आपको बता दें, ब्लैक डेथ होता है वो होता है प्लेग
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो आपको बताया डेंगू बुखार जब होता है तो मनुष्य के शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, गाजर किस विटामिन से समृद्ध होता है? तो आपको पता है गाजर के अंदर विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है? तो आपको पता है मानव शरीर में विटामिन ए जो है यकृत में संचित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, थायमिन जो है कौन से विटामिन का नाम है? तो आपको ध्यान रखना है विटामिन बी के जो नाम है वो थायमिन है। तो यही कुछ सवाल था जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।